बसमिल्लामैक्म वरम्तल्ला वर्का अज़ीज़ तलबा الرحمن बरमी तकबुल अदियान मजाब का सबक नंबर सड़सठ आज हम पढ़ रहे हैं इस सबक का अनवान है यूनानी और असरिय बाबुल के असरात इस वक्त में हम ये पढ़ेंगे कि जब बनी इसराइल पर यूनान ने हमला किया और अपने हुकूमत क़ायम की बनी इसराइल यूनानियों की ज़ेर नगी आए इसी तरह से जब बख्त नसर ने बनी इसराइल को क़ैदी बनाया और बाबुल ले चला गया यहाँ से फिलिस्तीन से बाबुल ले चला गया उस वक्त यानी इन दो हालत में उन पर क्या क्या असरा हुए यूनानियों के क्या असरा हुए और बाबुलियों के क्या असरा हुए बनी इसराइल में इनसे क्या तब्दीली हुई इन दो हालत में इसकी यूनानियों के असर जब सिकंदर ने दारा को शिकस्त दी तो यहूदी यूनानियों के जेर असर आ गए गलबे की इब्तिदा में यहूदियों पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता सिकंदर की वफात के बाद यहूदी तकरीबन एक सदी तक मिस्री के बितलीमूस खानदान के मातहत रहे लेकिन यहूद ने नेक्मर तबके का असर कबूल न किया बल्कि इसके बरक्स यहूदियत में कौमियत का एहसास शिद्दत से उभर उभरना शुरू हुआ जब फिलिस्तीन यूनानी बादशाह सिकुलस के जेर नगी आया तो यूनानी हुक्मरानों ने यूनानी तहजीब और यूनानी मज़हबी रसूम को गैर पर गैरों पर ठोंसना चाहा और इंताक़िया के यूनानी हुक्मरानों ने अपनी तहजीब और मजहबी रसूम का प्रचार शुरू कर दिया इस पूरी बात का मतलब है कि जब सिकंदर ने दारा जो ईरान ईरान का जो बादशाह था उसको शिकस्त दे दी और शिकस्त दे करके यहूदियों परलबा हासिल किया तो सिकंदर के दौर में तो यहूदियों पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ इसी तरह सिकंदर की वफ़ात जब हो गई तो उसके बाद एक सदी तक पूरा मिस्र के बितलीमूस खानदान के हुकूमत रही यानी यूनानियों की ही जेर सरपरस्ती बितमूस खानदान की हुकूमत रही यहूदियों पर तो इस दौरान यूनानियों से तो कुछ असर यहूदियों ने नहीं लिया बल्कि यहूदियों के अंदर कौमियत का एक एहसास उभरा लेकिन जब यूनानी बादशाह सेकुलस हुमर हुआ यहूदियों पर तो इसने जबरदस्ती अपने मजहबी रसूम और अपनी तहजीब दूसरों पर ठोंसना शुरू कर दिया था यानी अपनी तहजीबी गलबे की पूरी कोशिश इसने की जिसका असर यहूदियों पर होना शुरू हुआ उनतालीस चहारम ने यहूदी मजहब मिटाने और यूनानी देवता जीस की प्रस्तिश को आम रवाज़ देने की कोशिश की तो इसके नतीजे में यहूदियों में कौमी एहसास पैदा हुआ यहूदियों ने एक कामयाब बगावत की और फिलिस्तीन में एक यहूदी हासमोनियन खानदान की हुकूमत कायम कर दी यहूदियों ने इस खानदान की हुकूमत इस वजह से कायम की कि वो यूनानी अतराज से महफूज रहेंगे इससे उनका मकसद पूरा न हुआ और यहूदियों के मजहबी तबक ने इस खानदान से ताल्लक़ात मुन कर लिए पूरी भारत का मतलब ये है कि जब यहूदियों यूनानियों ने यहूदियों पर ज़बरदस्ती अपनी तहजीब और अपने रुसुमात और रिवायात को ठोसना शुरू किया तो उस वक्त और यहाँ तक मजबूर किया कि जो यूनानी देवता जीस थे उनकी भी परस्तिश यहूदी करें तब यहूदियों के अंदर एक कौमी एहसास पैदा हुआ और इस कौमी एहसास का नतीजा ये हुआ कि एक हासमोनियन ख़ानदान था यहूदियों का उसकी सरपरस्ती में इन्होंने एक कामयाब बगावत की और अपनी एक हुकूमत कायम कर ली हसमोनियन ख़ानदान की हुकूमत कायम हो गई लेकिन इस कायम करने का मकसद अगर चाहिए था कि यूनानी असराज से महफूज रहें ये मकसद तो पूरा नहीं हुआ अलबत इसका उल्टा नतीजा ये हुआ कि यहूदी के जो मजहबी तबका था यहूदियत का वो इस ख़ानदान से अलग हो गया हसमोनीय ख़ानदान को तस्लीम न करने वाला यहूदी तबका हदय हुदियी, कहलाते थे जिसके माना मुतकी और पारसा लोग हैं यानी जिन्होंने हँसबुन खानदान की बगावत को तस्लीम नहीं किया था और उससे अपने ताल्लुकात मन कर लिए थे वो हुदीन का तबका था इनके बाद फ्रीसीियों का एक ग्रोह पैदा हुआ जो यूनानी तस्वूरत रसूम से सख्त मुतनफ़िर थे फ्रेसी अजरा और नहमिया नबी के पैरोकार थे इस मजहबी ग्रोह ने यहूदियों को गैर यहूदी औरतों से शादी करने से मना करके यहूदियों को बुद परस्ती से महफूज रखना चाह मजहबी तबका और हुमर तबके के दरमियान मुखालफत पैदा हो गई आखिरकार मजहबी तबके की सियादत तस्लीम कर ली गई अब मजहबी तबके के हाथ में मजहबी और दुनियावी क़ियादत की बागडोर इस हद तक आ गई कि एक बार रूबी हुमर को भी इसके सामने हाजिर होना पड़ा डनी दीन तबके के बाद फ्रिशियों का एक गिरोह आया जिसने यूनानी रसूम की बहुत सख्त बहुत सख्त मुखालफत की और यहाँ तक मुखालफत की कि गैर यहूदी औरतों से शादी करने की बुआना का भी हुक्म लगा दिया अब मजहबी तबके और तबके के दरमियान मुखालफत हो चुकी थी यानी यहूदी दो गिरोहों में बट गए थे मज़हबी तबका अलग और दोनों में और हुर तबका दोनों में कशमकश हुई लेकिन और इस कश्मकश के नतीजे में मजहबी तबका गालिब आया और इस हद तक गालिब आया कि एक बार रोमी हुमर को भी इसके सामने हाजिर होना पड़ा था इसकी ताकत इतनी मजबूत हो गई थी मजहबी तबके की इससे मालूम होता है यानी उसके रोमी हुमरान के हाजिर होने से पता चलता है कि इस दौर में यहूदियों के मजहबी तबके का कितना ज़ोर था और माशरे में इनको कितना बुलंद मकाम हासिल था बाबुल की असीरी के असरा अभी हमने यूनान के पढ़ा था अब बाबुल के यानी पुख्त नसर के हमले के बाद जब ये महकूम बनाए गए यहूदी तो क्या क्या असरा इन्होंने बाबुल से क्या किया बाबुल की असीरी से यहूदी तारीख का एक नया बाब शुरू होता है और यहूदियों पर उसके दर्ज झेल असरा मरतब हुए नंबर एक कौमी इतिहाद का वजूद यानी यूनानी के दौर में तो कौमी एहसास पैदा हुआ था वजूद नहीं हुआ था लेकिन बाबुल के की असीरी जब हुई और बाबुल एक महकुम बनाए गए तब जो है इनके अंदर कौमी इतिहाद पैदा हो गया बाबुल की असिरी से पहले इसराइल और यरूशलेम की रियासतों के दरमियान जो बाहमी रकाबत थी वो यूशलम की तबाही के बाद ख़त्म हो गई क्योंकि दोनों मुमलकतों का सियासी मौकफ तकरीबन के के लिए कौमी इतिहाद की जरूरत महसूस की गई और इस मकसद के लिए यहूदी मसलह ने सिर्फ, सिर्फ यूशलम को यहूदियों की वाद कौमी इबादत गह करार देने में कामयाबी हासिल कर ली यानी बाबुल की असीरी का पहला नतीजा पहला असर ये हुआ कि उनके अंदर कौमी इतिहाद पैदा हो गया और ये जो दो गिरोह दो सल्तनतों में जो बटे हुए थे इसराइली और यहूदी जो दो सल्तनतें इनकी जो थी वो दोनों एक हो गई और इस बात पे इनका इत्तेफाक हो गया कि कौमी इबादतगाह सिर्फ और सिर्फ यरूशलम है तमाम यहूदियों का इत्तेफाक हो गया दूसरा असर कौमी तशखस के शूर की पुख्तगी यहूदियों ने बाबुल के दौरान क़ियाम बाबुली तमद्दन से काफ़ी इस्ता किया इनके कौमी तशखस के एहसास शुरू में जिंदगी बेदारी आई चांची अपनी मिटती हुई रिवायात को जिंदा करने की इन्हें फिक्र दामन गिर हुई इसके नतीजे में गुमशुदा तो की दोबारा तदवीन और तलमूद की शक्ल में इसकी मुकम्मल तफसीर सामने आई तीसरा क़यामत और जजा सजा का वाज तस्वर अहद असीदी पे यहूदियों का सबका ज़रतुस्ती मजहब से पढ़ा जिसके यहूदियत पर बहुत बसी असर पड़े चांज ज़रतुस्ती मजहब के असर से क़ियामत और आखिरत की जजा सजा का वाज तस्वूर पैदा हुआ जिसे किताब वाइज में देखा जा सकता है और जो खमीस मशाई सलाम में बिल्कुल ना पाया जाता था यानी कि जो तोरेत की जो किताबें थी वो पांच किताबें उसमें आखिरत का क़यामत का और इस तरह जजा सजा का यानी मौत के बाद की जजा सजा का तस्वूर तो नहीं पाया जाता था इन्होंने जरतरी मजहब से जब इनका तो फिर इसको हयात मबादल तबियात पर इन्होंने हयात माबादल मौत पर बहस करनी शुरू की इसलिए जो तोरेत के अलावा जो किताब है उसमें यह बहस पाई जाती है या तलमुद में इसकी ज़्यादा बहस है आज के सबक सबक़ा यह है कि इस सबक में हमने सबसे पहले पढ़ा कि यूनानियों के क्या असरात यहूदियों पे यूनानियों के क्या असरात रहे फिर बाबुल की असीरी पे से क्या असरात पड़े यूनानियों फिर कौमी इतिहाद बाबुल की असीरी के जो असरात हैं उनमें सबसे पहला कौमी इतिहाद का वजूद हुआ दूसरा असर कौमी तशख़स के शा की पुख्तगी यानी इसमें पुख्तगी आई कौमी तशखस में तीसरा असर है कि क्यामत और जजा सजा का वाज तस्वुर पैदा हुआ पैदा हुआ